हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपके, तो मेक श्योर कर लीजिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। तो गाइस, सबसे पहला जो आपका कॉमन सवाल आ रहा है बायोमेट्रिक को लेकर, बायोमेट्रिक के बारे में दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसी ने भी आज तक ये चीज आपके साथ शेयर नहीं की होगी। सबसे पहले तो अगर आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, आपको दोबारा बायोमेट्रिक की ईमेल आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, इस चीज के बारे में बात करूंगा। आफ्टर दैट, अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, आपको जो शेड्यूल्ड टाइम आ गया था लेकिन आपको रीशेड्यूल की अपॉइंटमेंट आ रही है, वो क्यों आ रही है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। उसके बाद बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में कि आने वाले दिनों की, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था जब वेबिनार ने क्लियर किया था कि जनवरी इनटेक की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उससे पहले ही मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जनवरी इनटेक के चांसेस बहुत कम है, और जो जो टाइम फ्रेम उन्होंने वेबिनार में बोला था वो ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं। तो जनवरी इनटेक की पॉसिबिलिटी क्या होगी, क्या आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी चाहिए, डेफरमेंट बेटर है और यू शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। सबसे पहले बात करूंगा बायोमेट्रिक के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कल से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने अपनी बायोमेट्रिक ऑलरेडी दे दी थी लेकिन हमें नई बायोमेट्रिक की मेल आ रही है, नई अपॉइंटमेंट की डेट आ रही है। अनदर थिंग इज दैट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी बायोमेट्रिक की डेट मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 28 की डेट मिली है और आपको एक डेट और आ चुकी है, तो उसके पीछे, दोनों कारणों के पीछे एक ही कारण है, वो क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मल्टीपल वेब फॉर्म रिलीज किए थे। आप इस चीज के बारे में समझिए कि मल्टीपल वेब फॉर्म रिलीज करने का मतलब क्या होता है। जब आपने ऑलरेडी अपने वेब फॉर्म फिल किया था अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, उस समय कनाडा रिवर्ट थोड़ा सा स्लो दे रहा था, लेकिन पिछले 2-4 दिन से कनाडा ने कंटिन्यूसली बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट देनी स्टार्ट कर दिया है। तो बाद में आपने एक और वेब फॉर्म रिलीज कर दिया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने एक वेब फॉर्म का जब रिवर्ट नहीं आया तो उन्होंने दूसरा रिलीज कर लिया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही मेन कारण है कि अगर आपने मल्टीपल वेब फॉर्म रिलीज किए थे तो आपको मल्टीपल टाइम अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। तो अगर आपकी बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुकी है, न्यू अपॉइंटमेंट आ चुकी है, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी बायोमेट्रिक दे चुके हैं। अगर आपकी डेट रीशेड्यूल की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी 28 थी, आपकी 3 जनवरी की जा रही है, तो ये एक कॉमन रीजन है, उनके पोर्टल का सिस्टम है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए वाया ईमेल, वाया फोन कॉल। फोन तो वो उठा नहीं रहे, चलो डिफरेंट थिंग है, ठीक है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपके लिए इजी होगा। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन था कि मल्टीपल रिक्वेस्ट जो आपने डाली थी उसके कारण ही आपको बायोमेट्रिक की जो डेट आ रही है। दूसरी बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारा सिनेरियो है आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि जनवरी इनटेक में हम ट्रेवल कर सकेंगे, हम कनाडा में स्टडी कर सकेंगे। तो लेकिन फिर भी नियर अबाउट 70-75% स्टूडेंट को निराशा ही देखनी पड़ेगी जनवरी इनटेक में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मार्च से, जिन्होंने मई में डेफर किया, मई से सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में जनवरी, जैसे ही वैक सेंटर ओपन हुआ, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हुई, पासपोर्ट सबमिशन स्टार्ट हुई, टू वे कोरियर सिस्टम आया, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी यही चीज थी, लेकिन मैं पहले दिन से ही आपको वॉर्न कर रहा था कि जनवरी इनटेक ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत कम है। तो अब उस चीज पर क्लैरिटी होगी, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी हमारी सभी के माइंड में कि जनवरी इनटेक ऑफलाइन भी हो जाएगा। तो गाइस, इस समय आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस और यू शुड डेफर योर इनटेक। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल स्ट्रांग है, फाइल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी कॉलेज की रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में है, देन यू शुड गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आपने डेफरमेंट ले ली है या लेना चाहते हो, आपको लगता है कि आपकी कॉलेज की फीस रिफंड नहीं होगी, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं वो बोलते हैं कि अगर आपका डिसीजन नेगेटिव आएगा तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस कट हो जाएगी, वट एवर जो भी है, देन यू शुड गो फॉर दी डेफर। तो इस समय डिसीजन आपको लेना है। देखिए, आप अपने रिस्पेक्टेड एजेंट्स को बताइए कि मैं इस चीज से कंफर्टेबल हूं, बिकॉज यहां पर अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उस चीज का सामना आपको खुद को करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को करना पड़ेगा। तो इस समय जो भी डिसीजन लेना है अपना सोच समझ कर लीजिए। अनदर थिंग इज दैट मेरी आपको क्या एडवाइस है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए।
अगर आपका कॉलेज रिफंड पॉलिसी देता है देन यू शुड गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करोगे ठीक है तो आपके लिए एक कनाडा जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी आसानी से। अगर आपने मई में डेफर कर दिया तो कनाडा जाने में आपको 4 से 5 मंथ की वेट करनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया अगर आपका स्टडी परमिट अप्रूव हुआ है ठीक है, आपका कॉलेज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आप सिर्फ 3 वीक पहले ही कनाडा ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसे में आपका वीजा अगर फरवरी में भी आ जाता है, आपने डेफर किया था मार्च में भी आ जाता है, तो आपको जाने के लिए नियर अबाउट अभी अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होगे आपका डिसीजन आ जाएगा देन यू कैन ट्रेवल टू कैनेडा, बिकॉज कैनेडा ने रिसेंटली क्लियर कर दिया था कि अगर आपके पास वैलिड स्टडी परमिट है, अगर आपके पास आपके डेजिग्नेट आपका जो लर्निंग इंस्टीट्यूशन है सॉरी तो वो रेडीनेस प्लान में है देन यू कैन ट्रेवल टू कैनेडा, बजाय आपकी क्लासेस ऑनलाइन है ऑफलाइन है इस चीज का मतलब उनको नहीं है। तो ये पॉलिसी आप अपना डिसीजन खुद सोच के लीजिए, बिकॉज आपके पैसे आपके समय और आपके जो आने वाला फ्यूचर है इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं, तो पहले की तरह आपको 4 मंथ वेट करनी पड़ेगी। तो इस टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस। तो बेसिकली यही चीजें इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्लियर करनी थी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप कीजिए, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आईएलटीएस की प्रेपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और आपका अगर केस रिफ्यूज हो चुका है, रीअप्लाई करना चाहते हो, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको भी हेल्प चाहिए, देन यू कैन टेक आवर हेल्प। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू गाइस।